त्योहारी सीजन में जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, पुलिस और नगर निगम ने पाम ऑयल, मिल्क पाउडर और शक्कर से तैयार 550 किलो मावा व 100 किलो मिठाई पकड़ी है। 100 किलो मिठाई का दावेदार पकड़ में नहीं आया है। मिलावटी मावा सप्लाई करने वाले व्यापारियों ने बताया कि वे इससे मावा, कतली, रोल, बर्फी व पेड़े बनाते हैं। मुख्य खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी को मिलावटी मावे को सूचना मिली और उन्होंने अपर कलेक्टर BBS तोमर को जानकारी दी। सुबह 9 बजे उर्वशी ट्रांसपोर्ट के 3 इमली चौराहे पर स्थित एक गोडाउन पर एक बस से 200 किलो मावा और 100 किलो मिठाई उतारी गई है। कृष्णा ब्रांड के इस मावा मालिक विजेंद्र जायसवाल निवासी नंदानगर ने बताया कि वह घर से ही मावे की सप्लाई आसपास के मिठाई की दुकानों पर करता है। इसके लिए उसे मोटा कमीशन मिलता है। विजेंद्र ने बताया कि इस मावे को रिफाइंड पाम ऑयल, शक्कर और मिल्क पाउडर से तैयार किया गया। बताया गया है कि मिठाई का उपयोग मिल्क केक बनाने में किया जाता है। एक अन्य टीम ने ऑटो से 350 किलो मिलावटी मावा पकड़ा है। ऑटो संचालक अफसार से फोन करके मावा मालिक जितेंद्र गर्ग निवासी सावे रोड को मौके पर बुलाया गया। उसने बताया कि वह इस मावे का सप्लाई खजराना, सावे रोड आदि क्षेत्रों में छोटी छोटी मिठाई दुकानों पर करता है। वह मुरैना का रहने वाला है और 10 साल से पिता के साथ यह व्यवसाय कर रहा है। इस मावे को भी पाम ऑयल, मिल्क पाउडर व शक्कर से तैयार किया गया है। मावा सप्लाई करने के लिए वह अहमदाबाद से ट्रांसपोर्ट के जरिए बुलवाता है।